योग सिखाया, फिर पुण्य सिखाया, फिर दान सिखाया, फिर कर्म धर्म सिखाया। सोचो हमारा छुटकारा नहीं हुआ, अब तक किसी तरह फिर रहे हैं 84 में, युगों के युग बीत चुके हैं। हमें वो मुक्ति वाला गुरु नहीं मिला, छुड़ाने वाला गुरु नहीं मिला। जो मुक्ति देने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो नहीं मिला। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। मैं चंद्र इस देह से निकल जाता था, मन काबू ना आया, विषय विकार हो गए, यहां तक तो मिला, आगे संभालने वाला कोई ना मिला। आगे अनेक रुकावटें हैं, किसान लिखा रगड़ा है भारी, कुछ समझे संत जान, रड़बड़ मच रही भारी, अजीब रड़बड़ है। सोचो वो मुक्ति वाला एक ही है, वो कौन सा है? सब कहते हैं सुन हृदय सतगुर सैदानी, सतगुर सतपुरुष को जाने, रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। जो रचना का काम है सतगुरु ने काल के स्पुर किया है, खंड पाताल दीप सब हुआ, सब काले वस आप प्राप्त किया, ताकत वहीं से मिलती है उसको। लेकिन जो छुड़ाने का काम है, काल के स्पुर स्वर्ग नरक सारे हैं, जो छुड़ाने का काम है वो सतगुरु ने सतपुरुष ने अपने हाथ में रखा है। तभी तो बाहर नकले चल पड़ी। महात्मा चंद्रदास कहते हैं गलियारे गुरु फिर थे घर घर कंठी दे और काज उनको नहीं दृप्य कुमार ने एक कान फूका गुरु जल का राम लावन और सो सतगुरु को जानी मुक्त खावन था। और वो मुक्ति वाला इसके अंदर है, वो एक ही है, सतपुरुष ही है। वो ले जाए तो ले जाए, जब हमें रास्ते का नहीं पता, सोचो कितने कितने काम किए, जब वगैरह तब सोच लो छुटकारा ना हुआ। वो सबके अंदर है। कैसे? बाहर कहते हैं गुरु दाता है, बाहर वाले तो मांगते हैं ले आओ ले आओ लगी पड़ी है। पुराने सब कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। वो बेमोहताज है, हमारा मोहताज नहीं। कैसे बेमोहताज है? ये किसी ने कपड़ा बनाया, ये कैसे बना? किसने पास बोई, किसने चुगी, किसने बेली, किसने सूत बनाया, किसने रंग बनाया, किसने बुने, कितने हाथों से निकला है ये? सोचो कितने कारीगर लगे, कितने औजार लगे। ये बेमोहताज सतगुरु जो फूलों में रंग भरता है, अंदर बैठा काम कर रहा है, यही काल को ताकत दे रहा है। बनाया तो काल ने है, मगर शक्ति वहां से मिली है, वो करंट वहां से आ रही है। देख लो अंदर बैठा कारीगर है ना, तो काम कर रहा है। इस ये मौत के वक्त छुड़ाने वाला मालिक की दरगाह में ले जाने वाला भी यही है। इसी को हम कहते हैं हाजिर नाज़िर जिंदा राम। हाजिर नाज़िर का मतलब है जो हर वक्त किसी की हजूरी में रहे, साथ रहे। जिंदा वो तख्त मरने जमने से परे है, पुनः के दर से परे है, राम रमी हुई रमते तसुरामा। ये सबके अंदर है, ये सबके अंदर है। फकीरों ने इसे देखा, आकर रोका दिया, या तो सतपुरुष खुद आया लेने के लिए, या आगे किसी पार्टी को तैयार किया सोचो ले जाने के लिए। ये खुद ले जाए तो ले जाए, वो ताकत बना कोई नहीं जा सकता। कबीर साहब इसीलिए आए थे, ले जाने के लिए, कोई जाने को तैयार नहीं। कृष्ण भगवान को नारद ने कहा दुनिया दुख उठा रही है, तो इनको अपने स्वर्ग में क्यों ले जाता? वो कहने लगा मैं लेता जाऊं, कोई जाने को तैयार नहीं, स्वर्ग में कोई जाने को तैयार नहीं। कि नहीं ला अगर कोई है, आगे सुअर मिल गया, पूछा चलो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए। अरे क्या है बड़े शोक है, अच्छा मैं सूर्य से सलाह कर लूं। सूर्य के पास गया, वो कहने लगी वहां गंध है, रूढ़ियां हैं, कि नहीं फिर हम क्या खाएंगे, हम नहीं जाते, हमारा ये हाल है। वो आते ही इसलिए हैं ले जाने के लिए अपने घर, ये देश दिखाने के लिए वहां पहुंचे। वो सुख का धाम है, दुख उठा रहे हो, त्रिलोकी के दायरे तक कहीं सुख नहीं। तो पीहा जाए पुकारे हो पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हों बिना खुल गए न कोए। महात्मा जी इंसान ने कहा है वहां तक कोई सुखी नहीं, सुख का देश चौथा लोक है। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। वो आनंद का देश है, खुशी का देश है, जिसका कह महरूम हो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। तो उसके लिए क्या कहते हैं कबीर साहब, सारा भेद खोलते हैं कि किस तरह दुनिया फंसी है, कहाँ कहाँ कोई चीज है, निकलने का रास्ता क्या है। जैसे हम कोई मोटर खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो उनके साथ एक पैम्फलेट आते हैं,
उनमें सारा लिखा होता है, ये पुर्जा ऐसे खोलते हैं, ये यूं करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कबीर साहब ने सारा भेद अंदर का खोल दिया, जितना साफ कबीर साहब ने खोला है और किसी ने नहीं खोला। क्या बोल भाई? हाँ है तो लंबा ये काम, पर मुख्तसर साहब को सुनाते हैं। हाँ दीदार महल में प्यारा है, ये महल है उसके रहने की जगह, वो आंखें और है जो देखने वाले में। नानक से बयान जिनन सिंह मापे, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, वो खोले तब देख सकता है। दूसरा लिखते हैं, है घट में सूजित नहीं लान तैसी जिंद, तुलसी सार को क्या मोतियाबिंद। सबकी आंखों पे मोतियाबिंद चढ़ा हुआ है, बाहर तो मोतियाबिंद का फिक्र है, उसका ख्याल ही नहीं। वो इसके अंदर है, आंख खोले तो देखे, उसके लिए क्या करे, है सबके अंदर, क्या करे फिर उसके लिए। हाँ क्रोध मत लोग विचारो, संतोष सीमा सतारो, क्रोध मत लोग विचारो, संतोष सीमा ये पहला कदम है। क्या अगर मालिक को देखना है तो क्या कर, काम छोड़ दे, विषय छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे। काम से रूह नीचे गिरती है, क्रोध से रूह फैलती है, जब क्रोध आता है बेहोश हो जाता है। क्रोध भूत जब ता पर आवे, तन मन की शुद्ध विसरावे, वो आत्मघाती जानो, वो महामूल पहचानो, महामूल बना देता है। लोभ छोड़ दे, इसे वो भारी होता है, अहंकार से मोटा होता है, सोच लो मोह से इसके साथ बनता है। इसकी जय शील शिमर संतोष तीरज विवेक दीन कर तीर्थ त्याग कर, और मां शराब वगैरह छोड़ दे। मां शराब खाना तो दरकनार, मां शराब खाने वाले के पास भजन करने वाला बैठ जाए तो भजन बनना हट जाता है। विषय लिखते हैं, मां सहारी मानवा, प्रत्यक्ष रक्ष संग, ताकि संगत मत करो परत भजन में भंग। तो जो पास बैठने से, इन्हें तो कहती खाओ, पास बैठने से भजन बढ़ना हट जाता है। बाहर सारा मिथ्या चीज है, ये सारी फना है। जब आंखें बंद हुई ना कौन रहा ना मज रहे, सोचो ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, इस तन भी गया, इसका प्यार छोड़ दे। हाँ ये पहले कदम है, इनका प्यार छोड़ता जा। इसका मतलब ये नहीं घर पर छोड़ देना है, घर पर छोड़ने से भी कुछ नहीं बनता। घर पर छोड़ के गए जंगलों में, क्या बना, छोड़ना क्या है, त्यागना, त्यागने का काम करो लो, अहंकार त्यागना, ये त्यागना था, काम क्रोध तो त्यागना था, ये त्यागना था, ये त्याग करना है। जिसम को भी चलाना है, इसके लिए रोटी का बंदोबस्त कर, लेकिन ज्यादा ख्याल तवज्जो ना दे, बाल बच्चों का लेने देने भी खत्म कर। जिनका मन विकृत सदा, रहो जहां चितलाए, घर बार दो एक सा, डारी दुर्दा खाए, के घर के बाहर जो चित्ता भी नाम, दोनों है बराबरी के जंगल के ग्राम, यहाँ कोई सवाल नहीं। हाँ धोती मेटी वस्ती पाओ, आसन बदम जुग दिसे लाओ,
ये जिस्म के चार से बनाए उन्होंने, चार से हैं, एक सचखंड सतलोक वो फना के दायरे से परे है, हमेशा कायम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ब्रह्मांड अंड पिंड ये चार से हैं, अंकों तक पिंड है, इसके आगे अंड का देश है संसलकम तक, उसके आगे ब्रह्मांड है, फिर सचखंड है, सतलोक है। हम यहाँ बैठे हैं, जब कोई बात समझ में नहीं आती ऐसे बैठ जाते हैं, सोच लो हम यहाँ बैठे हैं जागृत अवस्था में, जब नींद आती है तो कंठ में हो जाते हैं सपने में, जब गहरी नींद हो तो नाभि में चली जाती है, तवज्जो रूह कह लो, तवज्जो कह लो। हम यहाँ बैठे हैं, इससे ऊपर चढ़ना था, जैसे कोई छत पे बैठा हो उसने जाना है दीवार पे, क्या वो नीचे आके ऊपर जाए या ऊपर से चढ़ जाए। हम बैठे यहाँ हैं, यहाँ से संतों का मार्ग शुरू होता है, लेकिन योगी जो हैं उन्होंने नीचे नीचे रह गए, नीचे शुरू किया है, सोचो सारी उम्र वही खत्म कर दी, यहाँ तक पहुंचे भी ना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और कुछ पल्ले ना पड़ा, सोच लो। वो एक कबीर साहब का मार्ग नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हमें बताते हैं, वो ऐसा करते हैं, ये ना कहें उनको पता नहीं, ये नीचे का मार्ग उनका दस्ते बताते हैं ये क्या। हाँ सुन लो, हाँ जी। धोती मेटी बस्ती पाओ, आसन पालन जुगत से लाओ, धोती मेटी बस्ती पाओ, आसन पालन जुगत से लाओ, तब योगियों का हाल बताते हैं क्या, कि वो धोती नेती बस्ती वगैरह कर्म करते हैं। धोती क्या, 20-25 गज की कोई पट्टी लेकर मलमल की भिगो कर अंदर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, जब साफ होकर आया फिर समय के अंदर सफाई हो गई। इसी तरह नेती कर्म करते हैं, इसी तरह थले नीचे बस्ती कर्म करते हैं, ये जिस्म की सफाई के लिए, वो समझते हैं भी साफ हो गया, फिर क्या करते हैं, फिर आलती मालती बैठ कर एक लाते थे रख दिए, इधर गए रख के बैठ जाते हैं, फिर गुदा चक्कर में ध्यान लगाते हैं, मूल नीचे कैसा, यहाँ आते हैं यहाँ, हाँ पहले सांस चढ़ाते हैं, फिर उसको ठहराते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, उनका अपनी अपनी प्रैक्टिस है। हाँ जी, कोई आधा घंटा, कोई घंटा, कोई 5 मिनट, फिर वक्त बढ़ाते जाते हैं, ये उनका मार्ग है, लेकिन कबीर साहब का नहीं। हाँ, वो आसान मार्ग है, इसमें तकलीफ भी बड़ी है। हाँ कमल दल चतर गुपानो, कलिया फुलाल रंग मानो, मूल कमल दल चतर गुपानो, कलिया फुलाल रंग मानो, करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। यहाँ बैठ के योगी क्लिंग क्लिंग का जाप करते हैं, चार दल का कमला है, यहाँ तो जो देखकर क्लिंग क्लिंग का जाप करते हैं। यहाँ का मालिक कौन है, गणेश। कहते हैं ना, कोई काम हो गणेश की पूरा पूजा पहले, इन्होंने तो नकल बना ली बाहर, असली क्या है, यहाँ उसको प्रकट करे तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं।
किसी काम में, कहते ना इसकी पूजा करो पहले, मुख पूजा ये है, इससे रिद्धियां सिद्धि आ जाती है अगर इसको प्रकट करे। लेकिन हम तो बाहर ही बाहर रह गए। हाँ हाँ जी, चक्र कट कर दिस तारो नमनी रूप निहारो, चक्र कट दल दिस तारो नमनी रूप निहारो, स्वाद चक्र है वहाँ ब्रह्मा सावित्री है, पैदाइश का महकमा है, उनको कर्म दिए जाते हैं उस हिसाब से जिसम बढ़ाते हैं। वहाँ वो योगी बैठ गए, ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वो ओम जो असली है वो ऊपर है, ये नकल है, ये नकल है। ब्रह्मांड की नकल अंड में है, अंड की पिंड में है, ब्रह्मांड की अंड में है, अंड की पिंड में है। जैसे सूरज अपनी जगह पे सूरज है, कई दफा आपने देखा होगा तालाब पे वो पड़ता है, अंदर सूरज तो दिखाई देता है लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं, ना उसमें उतनी रोशनी है। इसी तरह कई दफा फिर देखा होगा आपने, वही रोशनी आके दीवार पे पड़ जाती है तो उसमें उससे मध्यम है। इसी तरह पिंड का हाल है, वो इसी पिंड नकल में फंस गए, नीचे की नकल में। हाँ, वहां एक रग है जिसको कुंडलनी कहते हैं, योगी वहां से तवज्जो उसके जरिए जोड़ के मेरुदंड से जोड़ते हैं, उससे और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हाँ जी, कमल दल साजा सिंहासन विष्णु बिराजा, दार महल में प्यारा है, करनैनों की दार महल में प्यारा है। अब नाभि चक्र में विष्णु है, लक्ष्मी और विष्णु, वो राशन काफी सारा कहते हैं ना, विष्णु पालता है, जो खुराक हम खाते हैं वो मेदे में जाती है, यहाँ से रगे लगी हुई है, कोई दिमाग को, कोई हाथ को, कोई पैर को, वो एक शक्ति है, सबको पहचाती है खुराक, वो एक शक्ति है सबके अंदर, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है। वहां पे सफेद उसका रंग है, आर्दल का कमल है, गणेश का लाल रंग का, वर्मा का श्याम रंग का, यहाँ सफेद रंग है, वहां से रगन बचाते हैं, ये उसका काम है, ये इसकी ड्यूटी है। हाँ, ये सब अपने अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, एक शक्ति है। हाँ, पादप कमल हृदय के मानी जब गौर शिव ध्यान लगाई, पादप कमल हृदय के मानी जब गौर शिव ध्यान लगाई, आदमी एक उल्टा दरख्त है, दरख्त की जड़े नीचे हैं, ऊपर को ताकत देती है, इसके दिमाग के जरिए ताकत आ रही नीचे को, तब उन्होंने लिखा लक्ष्मी शिव आ रहा है, विष्णु को ताकत वहां से मिलती है। तो आगे जाकर बारह दल का कमल है, शिव और शिव बैठा है, शिव पार्वती कह लो,
वहां का रंग भरा है, वहां सोंग का जापा, ये सोंग और है, ये नीचे दर्जे का है। वेदांत इसको ओम सोंग कहते हैं, ओम और सोंग कमला। लेकिन जो असली सोंग है वो बहुत ऊंचा है, वो आगे आएगा, वो बहुत ऊंचा, ये नकल में है। हाँ, ये प्राणों के भंडार का मालिक है। हाँ जी, इसका काम प्राणों को चलाना है, गमी खुशी शादी गमी रंज दुख यहां से पैदा होते हैं। हाँ, कोड़त दल कमल कंठ के मानी रात बसे अबते आवाई। जिसको देवी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वह 16 दल का कमल है, उसका वहां का रंग पीला है, झंडे इसी तरह चढ़ाते हैं ना, हरा पीला यही है। हाँ, वहां का रंग पीला है, वो 16 दल का कमल है, वो शक्ति है, संत उसको विद्या कहते हैं, वहां कुदरत कह लो उसको। हाँ, दल कमल कंठ के मारी उनको, ये सब उनके पंखा कर रहे हैं, समझे, पंखा चला रहे हैं, वहां से शक्ति ले रहे हैं, सब सुधार रहे हैं। हाँ, दल कमल कंठ के ये माया का खेल है। हाँ, वो सबको धोखा देती है, इसलिए उसको विद्या का है। हरि हरि ब्रह्मा चवरलाई, हरि हरि वहाँ बैठ के योगेश सिंह सिंह का जाप करते हैं, वहाँ वहीं रह गए, कोई गला आगे गया है, थोड़े से ब्रह्म तक है, कोई संदल कमल गया है, नहीं तो आगे गए ही नहीं, यहीं रह गए। हाँ, ये ऐसे यहाँ से संतों का मार्ग शुरू होता है, यहाँ से संतों का मार्ग शुरू होता है, यहाँ मन और आत्मा की बैठक है। ये दो दल का कमल आया खूब पीछे है। हाँ, तब ये फकीर यहाँ ध्यान लगा के आगे लेके जाते हैं, नीचे नहीं आने देते। हाँ जी, पापर कंज कमल है भाई, पग भोरा दोए रूप लिखाई, निज मन कर पिता रूप आई, निज मन कर पिता रूप आई, हो नन पिछवारा है, कर नयो नीचार महल में जारा। सिमरन करके आया है तो तीसरी आंख खुलती है, आंखों के पीछे है। हाँ, ये पिंड की रचना इसलिए चल रही है, नीचे ये हेडक्वार्टर है पिंड की रचना चलाने के लिए। हाँ जी, फरमाते हैं कि यहाँ कभी संतों से पता चलता है उनका शासन करके। वो कहते हैं अपने सतगुरु के देश पहुंचो, जहां से सतनाम की धार सच्चे नाम की धार आ रही है,
वो सच्चा नाम मालिक की कुदरती आवाज है, सतपुरुष की कुदरती आवाज है, यहां तक आती है, नीचे नहीं। वो लिखने पढ़ने से परे है, उसके मतलब पृथ्वी सर ने ना पट सर ने कहा नाम डोरा गुप्त कोई नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप दृष्ट नहीं आता, वो लिखने पढ़ने से परे है। शब्द कहो नाम कहो, शब्द कहते हैं आवाज को, शब्द की लहर को कहते हैं नाम, शब्द की लहर को कहते हैं नाम, वो सब रचना करने वाली सबको जिंदगी और ताकत दे रही, सबके अंदर है, यहां से वो पकड़ी जाती है, जैसे रीडिंग में आवाज स्विच लगाते हैं, यहां से पकड़ी जाती है वो इसके घर का रहता है। तब कभी कभी सर ने लिखा है सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरता देखिए बैठा कुशमार, शब्द बिना सुरतांतरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। मुसलमान उसको पान कहते हैं, कलमा कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, ईसा ने उसको वर्ड कहा है, यहां से ये मार्गदर्शन शुरू होता है। वो कहते हैं अपने देश चलो आकान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों दिल को तार मिलाओ, दोनों दिल को तार मिलाओ, हम देखो उल्टारा है करने को दीदार, महल में प्यारा है हाँ। अगर अंदर जाना है तो क्या करो, इस काया के, इस मंदिर के, इस महल के नौ दरवाजे बाहर हैं, दो आंखों के, दो कानों के, दो नाक के छह, एक मुंह का सात, दो टट्टी पेशाब के। ज्यादा संस्कार हम आंखों से लेते हैं, कानों से लेते हैं, बातें कर करके सुन के, जुबान से खट्टे मीठे रस लेकर ये अंदर रखते जाते हैं, बाहर मुखी होते जाते हैं। इनको अंदर बंद करो, बाहर ख्याल तोड़ो, आंख कान मुख बंद कराओ, अगर यहाँ ख्याल टकाए तो अनहद चिंगा, बिंडे की शक्ल की आवाज, कई किस्म की आवाजें आते हैं, दोनों तिल एक तार मिलाओ, ये जो आंखों में तिल है इनको अंदर से शिव नेत्र से शक्ति मिलती है, अंदर ले जाओ इसको, मिटो, यहाँ आओ, फिर देखो क्या व्यवहार है तुम्हारे अंदर। यहाँ से मार्ग शुरू होता है संत मार्ग, यहाँ से अलग शुरू होती है, असल में है तो आगे असली, मगर यहाँ से है रूहानियत की थोड़ी बहुत, यहाँ से है असली दसवें द्वार से शुरू होती है। हाँ ये मुसलमान की कहते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लाभ बंद करना भी नहीं हक सरे हक बार बंद बंद, आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, अगर फिर तुम्हारे पे रास ना खुले तो मुझे पकड़ ले। यही गुरु रामदास कहते हैं, नौ दर ठाके ताप्त रहा है, दस में निज करवा सब पाए, ये नौ दरवाजे बंद कर ले, यहाँ टका, मन भागता दौड़ता इसको टका, सिमरन करके यहाँ रोक, यहाँ कुदरती अनहद बाजे आ रहे हैं, बज रहे हैं, मगर कोई गुरमत वाला फकीर मिले उसके जरिए सीख सकते, ऐसे नहीं। हाँ संतों की यही तालीम है, यही तालीम है। ये फिर और लिखता है वो, चलो लाइफ में बोलो जिस वक्त निगाह तुम्हारी, हाँ आगे चल, हाँ तू इन बोलो, हाँ हाँ जी अगला बोलो।
यहाँ तारा चांद सूरज दरमियान का रास्ता सुगुन क्या दरमियान का, यहाँ तीन रास्ते हैं, बाई तरफ काल की रचना है, अनेकों धोखे हैं, उसने नकलें बना रखी हैं, दाई तरफ लोग दाई तरफ भी बड़ा धोखा है, लेकिन सुखन क्या दरमियान के रास्ते चलो। पर अपने आप नहीं कोई जा सकता जब तक कोई काम की ना मिले, इसके अंदर नाम का बीज ना डाले, इस मन करके यहाँ ना आए, उस रूप को प्रकट ना करे, तब तक असली शब्द को नहीं पकड़ सकता, सिमरन के जरिए पकड़ सकता है। सिमरन मार्ग सहज का, नीचे का जो मार्ग है उसमें बड़ा धोखा है, कई जगह तो हम पागल हो जाते हैं, लेकिन ये आसान से आसान मार्ग है। ये ऐसे है जैसे टांग सो गई फिर वहां शक्ति आ जाती है, ये बस ये ऐसा ही मार्ग है, लेकिन वहां धोखे हैं, वहां धोखे हैं, यहाँ कोई धोखा नहीं, आसान से आसान मार्ग है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ यही है कि देखो जब मर्जी खाली करो, जब इसके अंदर आ जाओ, बस यही है जो निकली गई वहां से, इतना ही है। ये आसान से आसान मार्ग सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु के बताए श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए, सिमरन के हर आदमी को आदत है, जिमीदार अपने काम का सिमरन करता है, दुकानदार अपने काम का सिमरन करता है, नौकरी पेशा अपने काम का सिमरन करता है, जिसका सिमरन करता है उन चीजों का ध्यान आता है। इसी तरह हम दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया का रूप हुए पड़े हैं, दुनिया का रूप हुए पड़े हैं। संत कहते हैं कि तुम्हें सिमरन की आदत है तो दुनिया का रूप हुआ पड़ा है, अगर मालिक का सिमरन करे तो मालिक का रूप हो जाए, जितना मालिक का सिमरन करेगा उतना मालिक इसके अंदर बसता जाता है, उतनी मालिक के नजदीक ही होती है। जब सारे ख्याल निकल गए, एक सदगुरु सदगुरु का सिमरन सिमरन रह गया, तो यहाँ आया तो सदगुरु आ गया, वो इसको असली रास्ता पकड़ाता है कि ये शब्द है तुम्हारे घर का, यहाँ भी अनेकों शब्द है। बुल्ले शाह ने कहा भाई देना 10,000, जैसे रेडियो में कितनी आवाजें हैं, कलकत्ते की, बंबई की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, अफ्रीका की, दिल्ली की, जलंधर की, इसी तरह यहाँ भी ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक की सबकी आवाजें आ रही हैं। वो सतगुरु अपनी आवाज अपना शब्द खुद पढ़ाए तो पढ़ाए, बाकी किसी की ताकत नहीं, उसमें अनेकों नकलें हैं, मिलती जुलती आवाजें हैं। चंद सूर्य स्टेज है असली रूहानियत की। यहाँ हजार बत्ती की जो होता है जिसकी नकल हम मंदिरों में देखते हैं, यहाँ घंटे शंख बाज रहे हैं, यहाँ 10 किस्म की धुनें हैं, लेकिन आला से आला घंटे और शंख की है। इसको पकड़ो, एक मुसलमान की ने लिखा है, कस न दानिश के मंजिल गए माशूक कुजास, इन कदरस के बांगे जैसे में आए।
कि किसी को पता नहीं खुदा का घर किधर है, उधर से घंटे की आवाज आ रही है। ये है यहां से कितनी पंखड़ियां, हजारों पंखड़ी हैं, ये इसे थाल में रखते हैं ना इधर, कितनी हर एक जगह त्रिलोकी है, त्रिलोकी का हेडक्वार्टर है ये, त्रिलोकी का हेडक्वार्टर है, यहां से चलता है त्रिलोकी का काम, यहाँ इंचार्ज बैठा है उसका। हाँ, ये एक और फकीर कह रहा है जिस वक्त निगाह तुम्हारी, हाँ चलो बस इन्हें काफी, हाँ सुनो जिस वक्त निगाह तुम्हारी, हाँ ये संतों ने राग खोल लिया है सारे अंदर की, बस जिस वक्त निगाह, ये चीजें देखने से तो लगता है। जिस वक्त निगाह तुम्हारी दिमाग के भीतर उलट कर आसमान को देखेगी और रूह तुम्हारी जिस्म को छोड़कर ऊपर को चढ़ेगी तो तुमको आकाश नजर पड़ेगा कि जिसमें थाना संसदल कमर का है और हजारों पंखड़ियां उसकी जुदा जुदा तान तीनों लोक का दे रही है। बस उसकी सैर को देखकर तुम बहुत खुश होगे और तीन लोक के मालक का दर्शन पाओगे। बहुत से मजहब इसी मुकाम बस इसी रह गए, वो यहाँ के कोई कोई भी लग गया है। हाँ जी बस उसका, हाँ जी हाँ जी क्या टेढ़ा रास्ता है, पहले सीधा गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर आगे गया, इस रास्ते जाना पड़ता है, कहते बारीक से बारीक रास्ता है ये। यहाँ अनेक रुकावटे हैं, ऐसे खूबसूरत मर्द हैं, ऐसे खूबसूरत औरतें हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देती, जिसका यहाँ करेक्टर ठीक नहीं आगे निकल ही नहीं सकता, वो कहते तुम्हें बेगम बना लेंगे तुम यहाँ ठहर आगे ना जा, वो कहता मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगी आगे ना जा, इतनी रुकावटें हैं, अनेकों रुकावटें हैं, वहां से सदगुरु निकाले तो निकाले बाकी किसी की ताकत नहीं। हाँ तभी उन्होंने कहा कि सदगुरु का आसरा रखकर सिमरन करो, उसी को रखो कि वो तू आ पहले फिर आगे ले जा, अपने आप कोई नहीं गया। हाँ जी संतों का बताया उसे मैंने उसके नजदीक नहीं गया थे पहले, अगर सदगुरु प्रकट हो जाए वो साथ है, जब वो सच्चा नाम को पकड़ा देता है तो सारी शक्ति बेकार हो जाती है, उसके सामने कोई नहीं, उसके सामने कोई नहीं काम करती, सब बेकार हो जाती है। हाँ इसी तो पर्टिसन का उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग दिन रोगिन दिन बाती, छह ऋतु बारह मास जरे चिराग दिन राती, ये उल्टा कुआं है, यह अमृत बरस रहा है, जो उस अमृत को पीता है वो साधु बनता है, उसका नाम साधु है, उसका नाम गुरुमुख है, यहाँ से साधु का कोर्स है शुरू होता है फिर आगे बढ़ता है। हाँ गगन मंडल के उर्दे मुख कुआं
था जिन्होंने अंदर सदगुरु को प्रकट नहीं किया समझ लेकर वो नहीं पी सकते जिन्हें सदगुरु प्रकट किया वो पी सकता है, दूसरा नहीं। हाँ मन नहीं पी सकते। हाँ जी किंगरी तारंग बजे सितारा क्या किधर जाना है? ये कालका हेडक्वार्टर है, यहाँ से ये वेद यहाँ से निकले हैं, सारा यहाँ से विद्या चली है। हाँ त्रिकुटी महल में विद्या, ये तो लफ्ज है लेकिन वो लफ्ज नहीं, वो धुन है। हाँ त्रिकुटी महल में विद्या, वहाँ की आवाज है मर्दांग क्या थी, जैसे तबले की आवाज से मीठी मीठी आवाज निकलती है, वहाँ की आवाज है। ये ओम का देश है, यहाँ से ओम करते हैं, वो एक धुन है, लफ्ज नहीं वो धुन है, मुसलमान हु कहते हैं। हाँ वो अजीब चीज है, ये तो लफ्ज है हम, वो कोई और चीज है। हाँ यहाँ से कहते हैं ऐसे तो जब आदमी डॉक्टर में दाखिल होता है उसी दिन से डॉक्टर डॉक्टर कहने लग जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर का कोर्स हो मुकम्मल तब डॉक्टर बनता है। इसी तरह ईसा फरमाते हैं कि 9 दरवाजे बंद करके जब अंदर 10वां खोलता है ब्रह्म से निकलकर, पहले संकल्प कमला फिर ब्रह्म का देश है, वहां से निकलकर आगे जाता है, वहां अमृतसर है, प्राग है, उसमें नहाती है रूह, फिर ये साधु बनता है। हाँ वहां गुरुमुख बनता है, गुरुमुख कह लो साधु कह लो, उसका नाम साधु है। हाँ जी आगे सुन है भाई, विशा ने मानसरोवर कहा है, बैनी साहब ने प्राग कहा है, गुनान साहब ने अमृतसर कहा है, ये है यहाँ नहाकर सारे पर्दे उतर जाते हैं आत्मा के ऊपर से, मन माया पांच तत्व जितने हैं पंची प्रकृति सब झगड़े मिट जाते हैं, आत्मा साफ हो जाती है, वहां इसकी अपनी रोशनी 1200 से बन जाती है। हाँ आगे से सुन है भाई, मन सरोवर बैठे नहाई, कोई रूह कब्बे जैसी थी, गंदगी गंदगी में शिशु मंडलों में गंदगी है, लेकिन ये अमृत है, ये पीकर हंस बनती है, वह हंसों की मंडलियां बैठी हैं, वो आगे की तैयारी करती हैं फिर जाने की। हाँ जी ये वहां की निशानी है किंगरी सारंगी। हाँ इस तारे वहां बज रहे हैं, ये हम तो ये बाहर बजाते हैं, ये वहां बज रहे हैं। गुनार साहब जा रहे थे, जो भी किंगरी बजा रहे थे, तो उन्होंने कहा
खुद बजाय श्रृंगरी अपने आप बजती है, जो उसको पकड़े ना फिर जोगी बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा। हाँ द्वादश भान है, बारह सूर्य जितनी सी रोशनी अंश की बन जाती है। एक नंग कहते बारह बार सुबह सूर अनस बाजे अनस तूर। हाँ इसकी अपनी रोशनी बारह सूर की है वहाँ। हाँ इसकी उस वक्त बारह सूरज की रोशनी होते हुए आगे इतना अंधेरा है कि ये काम नहीं करती। सतगुरु ले जाए तो ले जाए अपनी रोशनी में, ये नहीं जा सकता बिन सतगुरु को उत्पाय न बाटी। इतना अंधेरा है इसकी अपनी बारह सूरज की रोशनी होते हुए भी आगे नहीं चल सकती, इतना अंधेरा है। हाँ तिम्रखंड है। हाँ जैसे नीचे यहाँ आजादी के लिए उठते थे ना जब अंग्रेजों का टाइम था, तो समझाते थे क्या कि भाई तू पटवारी बन जाते, चलो तुम्हें तहसीलदार बना देते हैं, तुम मिनिस्टर बना देते हैं, तो ये काम ना कर, सोच लो अगर ना हटे तुम्हें आजादी लेनी है तो फिर सख्ती करते थे, घर बार भी तबाह कर देते थे। सोच लो इसी तरह पहले तो नीचे शक्तियां वो इसको समझाती है प्यार से, मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगी, मैं तुम्हें बेगम बना दूंगा, यहाँ शक्ति करता फिर रोकता है वो काल महाकाल, यहाँ रोकता है उसकी मिसाल नहीं, सिंह शर्फ एक मिसाल दी है, बस सख्त पैरे लगे हुए हैं, इसको निकलने नहीं देता, सतगुरु निकाले तो निकाले यहाँ से। हाँ इतना इतना अंधेर है वहाँ। हाँ जी यहाँ फिर तीन रास्ते हैं, यहाँ फिर तीन रास्ते हैं, फिर भी दुनिया नहीं जाना पड़ता है यहाँ से भी। हाँ जी अष्टदल कमल पार ब्रह्म अष्टदल का है, एक दाईं तरफ है चिंत का है, बाईं तरफ सहज का है। हाँ अष्टदल कमल पार ब्रह्म क्या
ब्रह्म है पांच, वो अलग गए हैं इनसे भी ऊपर, वो आगे सीखने चला रहे हैं। एक चार मुकाम ऐसे गुप्त हैं जो लोग नाम लेते हैं संतों से, फिर निंदा चुगली करने लग जाते हैं, छोड़ते उनको भी नहीं, वहां बिठाते हैं, उनको कैद करते हैं। वो अपनी अपनी रोशनी में अपना काम करते, तकलीफ उनको कोई नहीं, लेकिन दर्शन नहीं होते, व्याकुल रहते हैं। जब संत नीचे आते हैं, उनके साथ जो जाते हैं, उनसे जो कोई सिफारिश करता है, संतों की मौजा ले जाए नहीं, वहां कैद बैठे हैं। वो जो निंदा चुगली करने लग जाते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनको वहां कैद रखते हैं, नीचे नहीं आ सकते वो। हाँ, फिर भी उनकी इतनी रियायत है, रास्ता लेकर निंदा चुगली करने लग जाते हैं, मुखालिफ हो जाते हैं, उनको वहां कैद रखते हैं। हाँ जी, दो पर्वत के संग निहारो, अमर गुफाते संग पुकारो, दो पर्वत संग निहारो, अमर गुफाते संग पुकारो। सहजा चिंत के दरम्यान से रास्ते चलो, अगले अमर गुफा का स्टेशन है। हाँ, पर्वत के संग निहारो, अमर गुफा ते संग पुकारो, इसको होश आ जाते हैं। फिर मालिक से कहते हैं, जिसमें कतरा समुद्र को कहते हैं, मैं भी तेरे बच्चा हूँ, तेरे साथी हूँ, तेरे अंश हूँ। ये कहते जो तू है सो मैं हूँ, सो का मतलब जो तू है सो मैं हूँ। हाँ, वहां दीप और हैं, वो वहां के, वो नीचे नहीं आया कभी, वहां की रचना के लिए है। हाँ, उसकी मिसाल ही कोई नहीं, हीरे पन्ने चूंकि कीमती चीज है, मिसाल देते हैं। हाँ, सुन के दीन की काबू आ जाता है ना, सांप वगैरह, इसी तरह वहां काल महाकाल सब काबू आ जाते हैं। हाँ, सतलोक है। यहाँ से यहाँ तक भी महापल्ले में फना हो सकता है, लेकिन वो सतलोक आगे शुरू हो गया, वो फना के दायरे से परे है। हाँ, सतलोक की
से वहां ऐसी सुगंध है कह नहीं सकते, मसाल ही नहीं कोई। हाँ वहां बीन की आवाज है, वहां बीन की आवाज है, आत्मा की रूह की अपनी रोशनी सोना शुरू की है, जब तक इतनी ना हो वहां ठहर नहीं सकती। हाँ वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां भी एक दूसरे से यानी बीच में फिर भी नहीं मिले पूरे, वहां भी लाइट गई है, वहां संतों की मंडलियां बैठी हैं, हाँ अपनी अपनी रूहें लेकर बैठे हैं वहां। हाँ जी का स्वरूप बताते हैं कैसा है। हाँ करोड़ों सूरज हो, करोड़ों चांद हो, उनकी रोशनी उसके एक बाल की जितनी भी नहीं, उसके मुकाबले में एक बाल के मुकाबले भी नहीं, इतनी रोशनी है, इतना नूर है वहां। हाँ नीचे नहीं गिरती, लेकिन इससे आगे देश है क्या लख। हाँ आगे अलग लोग आगे अलग करोड़ थे, करोड़ों सूरज का कि अरबों सूरज हो, अरबों चांद हो, उसके मुकाबले करोड़ों के मुकाबले भी नहीं वहां। हाँ महल में जा रहा है।
कार्बन सूर कार्बन सूरज हो एक रूम के मुकाबले में नहीं। हाँ कोई कह नहीं सकते क्या है बोलो। वहां से कभी सब आए थे आम दुनिया तो ये कहते सतलोक से आए थे वहां से आए थे ये। हाँ ये उनका असली देश है वहां पे जाने के लिए आए थे और चलो अपने देश। हाँ ये देश है उनका इतना ऊंचा सतलोक से ऊपर है। हाँ जी पापर लोक ने भाई सारा खोल कर बता दिया सब रचना अंदर है सबके अंदर है। हाँ काया भेद किया निर्वाणा ये सब रचना पिंड में क्या किया है वहां का अक्ष ब्रह्मांड का अंड में डाल दिया अंड का पिंड में डाल दिया नकलों में फंसा दिया असली चीज ही छुड़ा दी सो कारीगर भरा है। हाँ ऐसा फंसा है। हाँ जी नकल नकल में रह गए। हाँ जी जैसे शीशे से कोई चीज आए देखो बल्ब नीचे आएगा ना बस वो कोई और चीज है शीशे में कोई और है नीचे और है इसी में फंस गए सारे इसी रोशनी में। हाँ परमार्थ में चार चाले हैं पहली कीड़ी जैसी है सिमरन का मार्ग जो है वो कीड़ी जैसा है पहले
कीड़ी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, इसी से कभी सीमेंट दो दिन बन गया, कभी हट गया, कभी बन गया, कभी हट गया। फिर आगे जब अंदर जाता है फिर मकड़ी जैसी है, मकड़ी ऊपर से आई, नीचे आई तार के जरिए अपनी, फिर चट खुराक खाई और ऊपर चले गया। इसी तरह यहां से जब ये जिंदा मरा यहाँ आया तो जिस्म में आया, काम किया और फिर चला गया, ये मकड़ी जैसी चाल है। फिर मछली जैसी है, मछली अपस्ट्रीम क्या ऊपर को जाने को फौरन जाती है, ऊपर धार आती है, फौरन ऊपर चढ़ जाती है, बस इस तरह फिर रूह आगे जाती है। फिर कहते हैं शब्द भिंगम चाल हमारी, कि हमारी क्या है भिंगम जैसी, जान पंछियों जैसी, क्या इतना आजाद है, क्या इस पंखी से इस दरख से उठा वहां बैठ गया, वहां बैठ गया, जिधर मर्जी जाऊं। हाँ हाँ जी, शब्द भिंगम चाल हमारी, कबीर सतगुरु देखारी, शब्द भिंगम चाल हमारी, कबीर सतगुरु देखारी, हमारा देश है, वहां चलो आओ सिमरन करके आए, सदगुरु प्रकट करे वो ले जाए तो ले जाए। अब अनेको रुकावटे हैं, अनेको धोखे हैं, देख लो कितने धोखे हैं, सारा हाल खोल दिया, जो करे हाँ जी चलो इन्हें कभी सुनना है भाई, ये तो जल्दी जल्दी की, जैसे मीरा ने की, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सच्चे दिल की जरूरत है, हृदय सच का निसार और सब पाखंड हुई पार, सच्चे दिल और सच्ची तर की जरूरत है, तो फिर मालिक मेहर करता कुछ काम साधु मिलाता है, ऐसे हम साधु को पहचान नहीं सकते, वो मिलाए तो मिलाए। इस सब लिखते हैं, जो कोई कहे साथ को चीना, तुलसी हाथ कान पर पीना, कि अगर कोई कहे मैं साथ को पहचान लू, कहता मैं कान पकड़ता हूं और कोई पहचान ले, माल की मेहर से मिलता है, फिर माल की मेहर से ही आगे अधिकारी को उपदेश मिलता है, माल की मेहर से आगे चल सकते, कदम कदम पे इसको मेहनत भी करे और सतगुरु छोड़ दे उसका आश्रय लेकर करे, अगर उसके आश्रय पे बैठ जाए तो फिर ये आलसी बन जाता है, मेहनत भी करे लेकिन उसका आसरा लेकर करे, कि सदगुरु तू कराए तो करे, उठे सदगुरु तेरी मेहर से हुआ, मैं ना आए अहंकार ना आए, अगर जरा अहंकार आया तो गया, किया फिर सब गया जावा अहंकार, कदम कदम पर निम्रता की जरूरत है, यहाँ कदम कदम पर निम्रता की जरूरत है। ईसा ने कहा कि मालिक के मिलने के लिए तीन निम्रता की जरूरत है, पहली तो निम्रता से सुने, अगर जो अगर ये कहे मैं जानता ही सब कुछ हूं तो इसने सुनना ही क्या है, फिर उसको अपनाए, फिर निम्रता से भजन करे, फिर अगर कुछ हासिल किया, अगर फिर कहा मैंने भी हासिल किया फिर भी किया, फिर भी मार्ग तेरी मेरे से हुआ, जो कुछ हासिल हुआ है मेरे से, कदम कदम से निम्रता की जरूरत है, तब कदम चल सकता है अंदर, नहीं चल ही नहीं सकता, नहीं तो काल सबको खा जाता है। महात्मा चरणदास लिखते हैं, चरणदास कहता बड़ी दीनता जान और उनकी तो क्या चले, लगे ना माया बाण, काल और माया भी उसको पकड़ नहीं सकते थे, निम्रता पहला कदम है, कदम कदम पे। हाँ हाँ जी, अरे ना सतनाम की बांग अच्छा। जब तक ये संसार के तलक ना तोड़े, इस देश से ना निकले, उस शब्द से तलक नहीं पड़ता, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है,
अति सूक्ष्म है, ये अब ये घड़ी है ये टिक टिक करती है, मैं सुनाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। कई बार आपने देखा होगा ऐसे हम लेटे पड़े हैं तो ये ऐसे लगते जैसे घंटे बजती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना चुप करोगे अच्छी तरह सुने, इसी तरह जब तक ये सारे जिसमें से तलक ना तोड़े, सारे तलक ना तोड़े, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा ना करे तो शब्द से तलक नहीं पड़ता, सुन नहीं सकता है। तो सारे ही जैसे रेडियो सारे हैं स्विच ला के सुनते हैं, यहाँ आया ख्याल जोड़े तब वो सुन सकता है, ऐसे नहीं ऐसे सारे जगह से न्यारा हो जा अलग हो जा, इस देह से भी निकल जिंदा मर, जब लग आज शरीर की मृत्यु हुआ ना जाए, काया माया मन तजे तुरे रह बजाए, इससे निकले ख्याल को आंखों पीछे तब उस नाम से तलक पड़ता है। ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जाए, सिमरन कर करके देखो खाली करता जाए, ये आहिस्ता का मार्ग है जल्दी करें। अभी सुनाया कि ये कीड़े का मार्ग है, कभी चढ़ा कभी उतरा, कभी चढ़ा कभी उतरा, ये जल्दी काम नहीं लगा रहे। हाँ हाँ जी ये तो यहाँ खत्म है, कुछ सब कहते हैं जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए फिर अनहद से तलक पड़ता है, फिर आगे से आगे जाकर फिर सत शब्द से तलक पड़ता है, शब्द के जरिए आगे शब्द पकड़ा जाता है, शब्द के जरिए दुनिया बनी है, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द या प्रकाश, वो शब्द लिखने पढ़ने से परे है, शब्द शब्द सबको कहे भाई तो शब्द बदले जीवा पर आवे ने निर्क पर कर ले, ये लफ्ज यहां तक लाने के लिए है, स्थूल देह को छोड़ने के लिए है, अगर सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म कह लो अनहद कह लो वो शब्द काम करते हैं, इससे आगे फिर सार शब्द सत शब्द है, वो इसको माल की दरगाह में ले जाने वाला है। हाँ जी तभी उन्होंने कहा शब्द गुरु साधु भाई शब्द साधना कीजिए, शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भाई शब्द को बिरला बुझे, गुरु सोई सोई शिष्य महात्म अंतर घट की सूझे, वहां जाकर असली शिष्य बनता है जिसने शब्द को पकड़ लिया, शब्द 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 व अंतर सार शब्द लख लीजिए, कह कबीर जे शब्द न धरते दरसे त्रिक जीवन जग दीजिए, वो सार शब्द है असली। हाँ जी की कमता से परे है, अगोचर क्या इन आंखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से सुना नहीं जाता, इस जुबान से बोला नहीं जाता, कुनाल साहब ने कहा अखी बाजो देखना दिन करना सुनना, पैर बाजो चलना बिन हत्था करना, जी बाबा जो बोले युद्ध मानना, नानक हुक्म पहचान के उसको हुक्म भी कहा है शादी का है, हुक्म पहचान के क्यों फस में मिलना, वो शब्द लिखने पढ़ने से परे, ऐसा नहीं कहा दी ग्रास विदरत दी फ्लावर फेडर बट दी वर्ड ऑफ आवर गॉड शैल स्टैंड फॉरएवर, कि घास सूख जाएगा मुरझाया जाएगा लेकिन खुदा का कलाम वो शब्द हमेशा कायम है। वो लिखने पढ़ने से परे है। हाँ जी बस यही काम मुश्किल है, इसको समेटना ही मुश्किल है, इसको समेटना ही मुश्किल है, बस समेट लिया तो सब कुछ बन गया, समेटना ही मुश्किल पड़ा है। कहते ना वो वाल्मीकि का उल्टा नाम जप के तरह लोगों ने बना लिया राम राम का मरा मरा, दरअसल राम कहते हैं रमतेता सुरामा, जो चीज जर्रे जर्रे में रमी है उसको कहते हैं राम, वो इंसान के अंदर जैसे ये करंट आ रही है तार के जरिए या वायरलेस बगैर तार के आती है ना, इसी तरह दिमाग के जरिए वो आ रही है इसके अंदर कुदरती तौर पर, जब आंखों में आई देखने लगा, कानों में आई सुनने लगा, जुबान में आई बोलने लगा, हाथों पैर में आई चलने फिरने लगा। अभी सुनाया था कि हम किसी ख्याल में बैठे ऐसे तो टांग सो जाती वो काम नहीं करती, वहां से वो चेतन शक्ति धार निकल गई थी और फिर वापस आ गए, वो धार से काम करता है ये कबीर, धारा कम की सतगुरु दे लिखाए,
वो धार इसके अंदर आ रही है। ताही उल्ट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए, सोचो यहां बैठ के सिमरन करे सारी चेतन सत्य धार को खेचे, इसका नाम है उल्टा नाम जपना। वो नाम की धार आ रही है, इसका नाम है उल्टा नाम जपना। और मरा मरा से कुछ बनता है या राम राम से ना बना, मरा मरा से क्या बनेगा? ये है कबीर धारा गम की सदगुरु दे लिखाए, ताही उल्ट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। सुर समेटना इसका ये धार है, ये उल्टा नाम जपना है। हाँ जी पहले ये है ये पहले दस उसकी आती है। अमीर खुसरो जी ने इन रागों और बाजों का इस तरह वर्णन किया है, ये नीचे की है ये तो। हाँ। एक ही भंवर गुजार सी, दूजे घुंघरू होए, तीजे शब्द संख का चौथे घंटा होए, पांचवे ताल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवे वीर भीर जो गाजे, आठवे शब्द मृदंग का, नवे नफेरी ताल, असली मृदंग परे है, मुरली परे है, ये नीचे की हैं, ये फनाम है। हाँ जी। दस में गर्जे सिंध सास, खुसरो ये ताल, दस प्रकार अनहद बजे, केत जोगी हो लीन, इंद्री थकी मनवा थके, खुसरो ने कह दीन, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। फिर ये काम करो लोगों का निकलने लग जाते हैं, जब ये पकड़ लेता है फिर भागते हैं भी, अब घर वाला जाग पड़ा हम जाएं, बस कह के जाते हम जा रहे हैं भाई, अब तुम्हारा राज हो गया। हाँ। अनहद बाजे बाजन लागे, इसी को कबीर साहब ने कहा पंचों लटके मार के रहे राम लिबलाए, ये लटकों की शक्ल में निकलते हैं, इसको पता नहीं और लड़के कौन से मारने हैं, बाहर के नहीं मारने, ये मारने हैं काम क्रोध। हाँ। चोर नगरिया गुरु निजाम की ही भाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई, ये आना था पहले। हाँ जी, ये बातें पहले आती हैं। हाँ जी, जी। हाँ जी, वो पुराना पुरुष जहाँ से आ रहा है सतपुरुष ने की है, पहले दो ताकतें पैदा की उन्होंने, जिसने लिखा काल काल खसम का कीना, ये प्रपंच बता दू, काल वो ताकत है जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, जो फना के दायरे से परे हमेशा कायम है, काल को रचना का काम दिया है, अकाल सतपुरुष को निकालने के लिए आता है, काल रचना करता है, वो फंसाता है, ये निकालने के लिए आता है, वो पुराना पुरुष है, वो अनामी है जिसने ये पैदा किए है, वो नामी अकाय लोक है। हाँ। वो प्राणा है सबसे पहले, वो अपनी मौज में मस्त था, फिर जब ख्याल हुआ तो कलोर हुई, तो ये दो ताकते पैदा हुई, काल और अकाल। वैसे तो कबीर साहब ने लिखा 16 अंश पैदा हुए, लेकिन मेन ये दो हैं, काल और अकाल। अकाल वो ताकत है जो जीवों को वापस ले जाती है, सतगुरु कह लो, अकाल पुरुष कह लो, सतपुरुष कह लो, काल रचना काम करता है, ये फंसाने वाला है, वो निकालने वाला है, वो आद पुरुष है। हाँ। वो पुराना है सबसे। हाँ जी, वहां जब तक वहां नहीं पहुंचता, कहते हैं ना अपने घर में सुख है, जब तक वहां नहीं पहुंचता जब तक मुकम्मल सुख नहीं, शांति नहीं, बस वहां अमृत बस रहे हैं, कह नहीं सकते क्या है, तो कहने की चीजें हैं, वो चीज कोई और ही है, कहने सुनने से परे है। हाँ। ये तो समझाने के लिए लफ्ज, वो कुछ चीज ही और है, गुंगे ने गुड़ खाया मीठा 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 कहे। हाँ?
पर क्या बताया ना, बस बताने की चीज ही नहीं, वो अनुभव की चीज है, लहसुन में आने वाली चीज ही नहीं। यहाँ कोई मीठी चीज खाओ आप बता ही नहीं सकते कैसी है दूसरे को, कैसा मीठा था, खट्टा भी मीठा है, सलूना भी मीठा है, और भी मीठा है, कह जाओगे जो आप बता सकते हैं जुबानी वो लिखने में नहीं आ सकता। सोच लो जो जुबानी बता सकते हैं वो लिखने में नहीं आ सकता। फकीरों ने हर तरह समझाने की कोशिश की लेकिन वो आने लफ्जों में आने वाली चीज ही नहीं, वो तो चखने की चीज है, अनुभव की चीज है। अनुभव आत्म ज्ञान का जो कोई पूछे बात, गुंगे ने गुड़खाया कहे कौन मुखसवार। हाँ जी चलो तजर्बा करो फिर है। हाँ होनी चाहिए, बस तड़पी चीज है, प्रेम चीज है, तड़प चीज है, बाकी ना। उम्मीद ही लाग रही बोलते हैं ना, क्या है ना, उम्मीद ही लाग रही लगा रहे ये। Thank you.
शरण आए यम से बचे आ